जय भोलेनाथ दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, वेडनेसडे, 15 तारीख, 8:21, और जबरदस्त तेजी के बादल छाए हुए हैं मार्केट पे। जबरदस्त तेजी के बादल, शायद तेजी की आज बारिश होगी, तेजी की आज बारिश होगी, देखते हैं, ऐसा सबको अनुमान है। लेट्स टॉक स्ट्रेट अवे। चलिए मैं आपको मुहूर्त से लेके अभी तक की सारी कहानी बताता हूँ। मुहूर्त में मैंने शॉर्ट करवाया था और उसके अगले दिन मैंने बोला था कि नीचे खुलेगा 13 तारीख को। मुहूर्त 12 तारीख को था, 1 घंटे का था, और अगले दिन भी मार्केट नीचे खुला, जबकि उस दिन आपको गिफ्ट 13 तारीख को गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर दिखा रहा था, लेकिन मार्केट नीचे खुला और नीचे ही गया, ठीक है। और 19443 पे हम बंद हुए, जबकि मुहूर्त वाले दिन हम उससे काफ़ी ऊपर बंद थे, ठीक है। तो एक तो निगेटिव क्लोजिंग हुई। अगर हम देखा जाए तो 13 तारीख को ही प्रतिपदा तिथि स्टार्ट हो गई थी आफ्टरनून में, तो हम बोल सकते विक्रम संवत 2080 का पहला ट्रेडिंग डे निगेटिव बंद हुआ, क्योंकि कल बाली प्रतिपदा के उपलक्ष पे छुट्टी थी। हालांकि कल दोपहर के बाद द्वितीया लग गई थी और आज भी दोपहर तक द्वितीया रहेगी, ठीक है, द्वितीया तिथि। आज आपको सरप्राइजिंगली मार्केट 200 से ज़्यादा प्लस दिखा रहा, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट रात को 500 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, 500 पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ वहाँ सीपीआई के जो डाटा है वो उम्मीद से भी थोड़े बेहतर आए। 3.2 पर इन्फ्लेशन उनका आया, 3.3 या 4 का एक्सपेक्टेशन था, जो भी है उससे अच्छा आया, उम्मीद से काफ़ी अच्छा आया। और ये एक वहाँ पे एक निगेटिविटी को दूर किया और वहाँ पॉजिटिविटी लहरा गई अमेरिका में। उसी को देखते हुए हमारा गिफ्ट निफ्टी भी रात को एकदम लेडर बाय लेडर चढ़ते गया, है ना। और आज बहुत ही तेजी वाली ओपनिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं मंडे के दिन 19509 के आसपास निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करके गया हूँ। मैं सच्चाई बोलना हमेशा पसंद करता हूँ। मैं 509 के आसपास निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करके गया हूँ, और फ्यूचर जो था मंडे को निफ्टी फ्यूचर वो 497 पे बंद हुआ, स्पॉट 443 पे हुआ, ठीक है। आज क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा और अच्छा था, और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, 640 के ऊपर एक भी दिन की क्लोजिंग, एक सिंगल डे की भी क्लोजिंग मार्केट के लिए मेरा स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट्स है, जो मैंने दिवाली पे इनिशिएट की, ठीक है, क्योंकि मैंने मंडे को शॉर्ट कटवाए नहीं, मैं सच्चाई बोलता हूँ। और मुझे लगा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि सीधा 200-250 पॉइंट, 245 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखाएगा, ये पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि एक इवेंट, इवेंट को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते हो। इवेंट क्या था कि भैया सीपीआई के डाटा थे, हमारा मार्केट बंद था, उन्होंने मजा लिया, अब हमको सजा मिलेगी जो शॉर्टर है, और जो लॉन्ग करके गए दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग वो आज मजा लेंगे सुबह, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पे एडमेंट नहीं बनना चाहूँगा, एडमेंट मतलब जिद्दी नहीं बनना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल है, अगर 640 के ऊपर आज क्लोजिंग आती है, क्योंकि आज के आज जिस हिसाब से 745 की ये दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उस हिसाब से उसमें से 50 पॉइंट घटा लो तो 690 के आसपास की तो आज ओपनिंग होनी चाहिए, स्पॉट में, स्पॉट में 690, और मेरा स्टॉप लॉस है 640 के नीचे की, ऊपर 1 पॉइंट ऊपर की भी क्लोजिंग, उसके बाद मैं ऑल टाइम हाई के लिए खेलूँगा और वहाँ पे मैं 19500 का स्टॉप लॉस डालूँगा, ठीक है। लेकिन पहले 640 आज डिफेंड कर पाएगा मार्केट या नहीं कर पाएगा, ये तो ड्यूरिंग द डे पता चलेगा। ओपनिंग ऑब्वियसली आज 690 के आसपास दिखा रही है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 745 दिखा रहा है, और मेरे ख्याल में स्पॉट और फ्यूचर में कुछ 50-55 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से मैं 690 के आसपास की ओपनिंग दिख रहा हूँ। लेकिन क्या खुलते ही शॉर्ट करेंगे लोग या शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये बड़ा सवाल है।
ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आप देखो एफआईएस के कैश मार्केट के भी डाटा जो इस फ्राइडे से पहले वाले फ्राइडे जो पिछला फ्राइडे गया उससे भी पिछले फ्राइडे में एफआईएस के कैश मार्केट में शॉर्ट के डाटा में एक एक ऐसा दिन आया था जहां उन्होंने सिर्फ 12 करोड़ का शॉर्ट किया, तो मुझे लगा था वहां शॉर्ट उनकी थम गई कैश मार्केट की, लेकिन उसके बाद आंकड़े फिर से बढ़ते गए। एक बार भी अभी तक पॉजिटिव फिगर नहीं आया एफआईएस का कैश मार्केट में काफ़ी दिनों से। ये अपने आप में मुझे चिंता में डालता है। भले ही तुम आज इस की बदौलत तेजी कर लो कि अमेरिका में हुई हम भी करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सामने 5 स्टेट के इलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, 5 स्टेट के विधानसभा इलेक्शंस, ठीक है। मार्केट हमारा वो देखने वाला ना कि अमेरिका को देखने वाला, ठीक है इसको याद रखिएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग अगर आज आई तो मार्केट हो सकता है पूरे के पूरे गेन खो दे, पूरे के पूरे। ये जो 238 पॉइंट का दिखा रहा गिफ्ट निफ्टी, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए 2735 पे दिखा रहा है, 238 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है 735, 238 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है तो 735 पे दिखा रहा है खुलेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा, क्योंकि एफआईएस कुछ मुझे कच्चे खिलाड़ी तो नहीं लग रहे कि ठीक है उनके नेट शॉर्ट है। देखिए एफआईएस के पास एफएनडो में भी शॉर्ट है और कैश मार्केट में भी वो कंटिन्यू शॉर्ट के, तो देयर मस्ट बी समथिंग जो सिर्फ वो जानते हैं और कोई नहीं जानता, ठीक है। अब या तो वो आज शॉर्ट कवरिंग की रेस में आ जाएंगे तब मार्केट यहाँ से 21,000 भी जाएगा, एक बार आपको ऑल टाइम हाई तो 20,200 पार कर ही डालेगा अगर आज हम 640 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो। ओपनिंग तो आपके 690 ही होगी आज जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, ठीक है। मेरा मानना है आज शायद मार्केट पूरे के पूरे गेन खो देगा, ये मेरा मानना, लेकिन मैं यहाँ पे एडमेंट नहीं बनूंगा क्योंकि मैं खुद भी ऑल टाइम हाई के ही गाना गा रहा था जब वो 12 करोड़ के आंकड़े आए, तो मैंने तेजी करवाया, खाली मैं मुहूर्त वाले दिन आपको शॉर्ट करवाया, सबको मालूम है, एवरीवन नोस। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट खड़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 497 का जो क्लोजिंग आया है निफ्टी फ्यूचर का, उस वहाँ मेरा 508 का शॉर्ट किया हुआ, तो मेरी भी आज फट के हाथ में आ जाएगी क्योंकि सुबह सुबह वो 240 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो भैया क्या करूँ। लेकिन मैं ईमानदारी से 640 के नीचे या ऊपर क्लोज होने का वेट करूँगा, अगर क्लोज ऊपर होता है तो मैं काट दूंगा और हिम्मत करके बाइंग करूँगा, और अगर क्लोज नीचे होता है तो मैं रखूँगा इसको, ठीक है एवरेज नहीं करूँगा। डोंट एवरेज योर लॉसेस, स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सबसे बड़ा कारण होता है डोंट एवरेज योर लॉसेस, और लॉस को बुक करते वक्त गर्दन नीची करें, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करें और मान लें। तो मैंने सच्चाई बताई, मैं शॉर्ट में हूँ, लेकिन मैं 640 को ईमानदारी से मेरा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, एनी क्लोज अबव 640, और उसके बाद मैं तेजी में हूँ ऑल टाइम हाई के लिए। 20,200 का जो 20,222 का जो हाई है वो टूटना चाहिए उसके बाद। अब देखना ये है कि आज क्या एफआईएस शॉर्ट कवर करेंगी या 80% के जो नेट शॉर्ट है उनके इंडेक्स फ्यूचर में, अभी नेट शॉर्ट उनके 80% पे है और हाईएस्ट में मैंने हमेशा देखा 92 तक पहुंचते हैं, तो क्या वो अभी तक 92 तक लेके जाएंगे इस शॉर्ट को, या आज से वो वापस शॉर्ट कवरिंग। देखिए चांसेस इसलिए बनती है शॉर्ट कवरिंग की क्योंकि देखिए अमेरिका में अब बॉन्ड यील्ड गिरेगी तेज़ी से, तो ऑब्वियस है अगर उस कारण से वो शॉर्ट कर रहे थे तो उनको पैसा वापस से इंडियन मार्केट में डालना पड़ेगा, और अगर कोई और कारण है जो हमको पता नहीं, किसी को पता नहीं, तो वो आज की गैप अप को भी ठोकेंगे, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो दैट्स माय क्लियर कट वीडियो, पसंद आज आपको बेहद आएगा इतने बेबाकी से अपना व्यू रखने के लिए। सब लोग एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लव यू ऑल। ड्यूरिंग द डे मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, जहां मुझे क्या लगेगा मैं, आप 12:30 के आसपास मेरा एक वीडियो और देखोगे,
मैं वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे क्या लगता है अब, कि मुझे स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए या मुझे कैरी ऑन करना चाहिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।